कानपुर में कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। मामला चकेरी थाना के अंतर्गत केडीए कॉलोनी का है। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में आग का काला धुआं फैल गया। वहीं आग की सूचना मिलते ही आनन फानन में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे, फोन आया घर से कि आग लगी हुई है, बहुत दूर से काला धुआं उठ रहा था। जब यहाँ आकर देखा तो भयानक पीछे आग लगी और टंकी से कहीं पानी डालते रहे तो सब बिजली की लाइन, पानी की, पीछे एसी, सब सब जो है मतलब एसी तो पिघल गया, कोना उसका पूरा, बाकी केबिल वेबिल सब जल गया। प्लास्टिक का था। जानकारी के मुताबिक केडीए कॉलोनी में ये गोदाम प्लास्टिक कबाड़ का काम करने वाले अख्तर का है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।